भारतीय मानक ब्यूरो ने छोटे सूक्ष्म उद्योग व स्टार्टअप महिला उद्यमियों के लिए न्यूनतम चिनाकन शुल्क 50% की कटौती की है। ये जानकारी मंगलवार को BIS की ओर से दी गई है। उपभोक्ता मामले के विभाग के सचिव लीना नंदन ने ये एक वर्चुअल प्रेस वार्ता के दौरान BIS की विभिन्न पहलों की जानकारी दी। इस मौके पर मौजूद BIS के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने बताया कि छोटे सूक्ष्म उद्योग व स्टार्टअप व महिला उद्यमियों के लिए न्यूनतम चिनाकन शुल्क में 50% की कटौती की गई है। इसमें पुराने लाइसेंस धारकों को 10% अतिरिक्त छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि हितधारकों के लिए नियमों का अनुपात सुगम बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस सरलीकृत प्रक्रिया से 80% से अधिक उत्पादन आ गए हैं और इन उत्पादनों के विनिर्माण के लिए 1 महीने के भीतर लाइसेंस जारी करना संभव हो गया। उन्होंने बताया कि BIS के इस पहलुओं में 90% से ज़्यादा आवेदनों का निपटापन तय समय सीमा के बीच किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास लगभग 21,000 भारतीय मानक हैं। इसके मकसद देश की अर्थव्यवस्था और उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न उत्पादों बेहतर मानक तय करना रहेगा। उद्योग MSME क्षेत्र के लाभ के लिए भारतीय मानक अब निःशुल्क उपलब्ध हैं और BSI के मानक पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न संगठनों में चल रहे मानक तैयारी के कार्य में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक राष्ट्र एक मानक स्कीम शुरू की गई है और RDSO इंडियन रोड कांग्रेस और प्रतिरक्षा मंत्रालय के अंतर्गत मानकीकरण महानिदेशक जैसे SDO के साथ परामर्श की प्रक्रिया जारी है।